हाय एंड वेलकम टू दटस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग मैं हूँ फाद हुसन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे इस सेशन पे हम जानेंगे कि मल्टी नोमल डिस्ट्रब्यूशन क्या होती है लिहाजा वीडियो को फर्दर इस्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवली जितनी वीडियो हैं वो बड़ी इंपॉटेंट हैं जहाँ पर हम डिफेंट टाइप्स के डिस्ट्रब्यूशन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो इस डिस्ट्रब्यूशन को समझने से पहले हमें उन चीज़ें को रिकॉल करना होगा जो हम नॉर्मल डिस्ट्रब्यूशन पर आ, पढ़ते हुए आएँ जहाँ हमने देखा था कि हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं यानी जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन मॉन्ट मीडियन स्क्यूनेस एंड एनक्रटोसिस होते हैं बिल्कुल इसी तरह से हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं लिहाजा अगर आपने वो तमाम वीडियोज़ देखी हैं तो आप बड़े आसानी से मल्टी के भी उस मैट्रिक्स को और टेक्निकल फॉर्मूलाज को समझ पाएंगे जो हम डिफरेंट वीडियोज़ पर ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर तो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो बाई यूजिंग अ वकीपीडिया हम उन मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो जिसका जिक्र मैंने अभी किया है वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है आप YouTube पर आने के बाद फादा हुसैन सी एस सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे और इसके प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसप्लेंस की हैं विद ईज वॉच की जा सकती हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या वट एवर जिस डिफेंट चीज़ें मैं यहाँ यूज़ कर रहा होता हूँ वो तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग फाहद हुसैन सी एस ब्लाग स्पॉट डॉ कॉम पर जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर्वक जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई आप आसानी के साथ सीख सकें साथ ही साथ आप मेरे भी मुझे कर सकते हैं, ताकि जब-जब पर कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो सबसे पहले तो हम बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को एक रफ आइडिया से कॉल करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकोमल डिस्ट्रीब्यूशन से काफी रिलेट किया जा रहा है तो अगर मैं एक बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कोई भी इवेंट हो सकता है उस इवेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कॉइन से इस कॉइन के अंदर टू आउट्स कम होने चाहिए आ, जो हमारा सक्सेसर या फेलियर कहलाएगा तो इस सक्सेसर और फेलियर को आ, अगर मैं हेड के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो फेलियर हमारा आ, टेल कहलाएगा पहले इवेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद दूसरी ये थी कि जो सक्सेसर की प्रॉबिलिटीज़ हैं आने के उसको आप वन से माइनस कर देंगे तो ये फेलियर की भी बन जाएगी यानी अगर मैंने हेड की फिफ्टी का है तो ये अंडरस्टूड है कि फेलियर के भी फिफ्टी बनेंगे एंड द थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इनडिपेंडेंट हैं यानी एक दूसरे पर बेस नहीं करते हैं ये सेपरेट हैं, यानी एन नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के लिए जब मैंने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि हेड फिफ्टी परसेंट है तो हर नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए फिफ्टी परसेंट ही रहेगा ये चेंज नहीं होगा ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ है और ये एक दूसरे पर बेस नहीं करते हैं इसमें एक चीज़ में अगर मैं वेरिएशन लेकर आ जाऊँ वो है हमारे पास आउटकम अगर मैं आउटकम को चेंज करूँ तो इस चेंजिंग की वजह से ये एक जर्नलाइज फॉर्म बन जाएगा ठीक है जर्नलाइज फॉर्म बन जाएगा और इस जर्नलाइज फॉर्म को कहा जाएगा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब आउटकम्स को चेंज करने से क्या मुराद है हमने बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखा कि हमारे पास जो आउटकम है एक सक्सेसर है और एक फेलियर है तो ये दो हैं लिहाजा अगर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में इन्हीं रेस्ट ऑफ द अदर जो प्रॉपर्टीज बताई गई है वो रहते हुए सिर्फ आउटकम को ग्रेटर देन टू कर दूं या फिर एन कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिक डेफिनेशन और वर्किंग थी एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं सो देर आर टू पॉसिबल आउटकम एज वी नो जो बाइनोमल में होते हैं पास uh, या फेल या सक्सेसर और फेलियर द मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ एवर डिस्क्राइब द रैंडम वेरिएबल विथ मैनी पॉसिबल आउटकम दिस इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ कैटेगोिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पर इसे कैटेगोिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है एज ईच पॉसिबल आउटकम इट्स ट्रीटेड एज अ सेपरेट कैटेगरी यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक आउटकम uh, को एक सेपरेट कैटेगरी के फॉर्म पर कंसिडर किया जाता है सो कंसिडर दिनैरियो ऑफ प्लेइंग एंड अगेन एन नंबर ऑफ टाइम यानी किसी गेम को एन नंबर ऑफ टाइम खेला जा रहा है सो मल्टीनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द कम्बाइंड प्रॉबेबिलिटी ऑफ द दैट प्लेयर यानी आप कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं उन तमाम प्लेयर्स की जो वो गेम खेल रहे हैं दैट प्लेयर वन विल विन एक्स वन टाइम प्लेयर टू विल विन एक्स टू टाइम एंड प्लेयर के विन एक्स टी टाइम यानी मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं वो कितनी दफ़ा वो मैच जीत सकते हैं वो गेम जीत सकते हैं ये मल्टी नॉमल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से पॉसिबल है एंड द लास्ट वन विच मीन द फॉर्मूला सो प्रॉबिलिटी मास फंक्शन इसका क्या होगा प्रॉबर्टी मास फंक्शन डिस्क्रीट के लिए इस्तेमाल होता है जबकि प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है जिसके लिए हम सेपरेट प्ले लिस्ट पर वीडियो बना चुके हैं वो आपने जरूर देखी है आ, अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें ताकि आप फर्क समझ सकें तो फार्मूला किस तरह से लिखा जा रहा है द प्रॉबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल बाई यूजिंग अ मल्टी मल्टीनोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एस इक्वल टू स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स टू एंड स्मॉल एक्स एन यानी मल्टीपल जो प्लेयर हैं एक गेम के अंदर उन तमाम की मैं मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना चाह रहा हूँ जहाँ पर एन नंबर ऑफ इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एन वन एन टू एन थ्री ये इवेंट वन के आउटपुट है इवेंट टू है इवेंट थ्री है जबकि पी वन पी टू टू पी एक्स यहाँ पर जो है प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट वन होने के यानी पहली चीज़ होने के चांसेस पहले इवेंट होने के दूसरे इवेंट होने के चांसेस या एक्स नंबर ऑफ़ इवेंट होने के चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फैक्टोरियल मीन फैक्टोरियल की वैल्यूज़ हम जान चुके हैं जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो उससे पीछे जितने बाइट सेल्फ एंड पॉजिटिव जितने पीछे नंबर हैं वो उतारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद जो आपके पास एक्स वैल्यूज़ हैं उन तमाम का भी इंडिविजुअली फैक्टोरियल यहाँ पर निकाला जा रहा है तो ये आपका कंप्लीट प्रॉबलिटी मास फंक्शन है मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का परेशान नहीं होना है इस इसको एक क्वेश्चन के जरिए से भी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वर्क कर रहा होता है तो थ्री कार्ड्स प्लेयर हैं हमारे पास प्लेयर सीरीज ऑफ दिन कार्ड प्लेयर है हमारे पास जो सीरीज ऑफ मैच खेल रहे हैं सो द प्रोबिलिटी दैट्स प्लेयर ए विल विन एनी गेम इस 20% परसेंट यानी ए के किसी भी एक गेम जीतने के 20% परसेंट चांस है बी के 30% परसेंट चांस हैं और सी के 50% परसेंट चांस हैं ठीक है ठीके? एक एक तीन प्लेयर्स से तीनों के एक गेम जीतने के चांसेस यहाँ पर बता दिए गए इफ दे प्ले सिक्स मैचेस या सिक्स गेम्स अगर ये छः गेम खेलें सो वट इज द प्रॉबिलिटी दैट प्लेयर ए विल विन ओनली वन गेम ठीक है प्लेयर बी विल विन टू गेम्स एंड प्लेयर सी विल विन थ्री गेम्स यानी अब आपको कंबाइंड फॉर्म पर ये बताना है कि क्या चांसेस हो सकते हैं कि प्लेयर सिक्स गेम में प्लेयर एक एक ही जीते प्लेयर बी टू दो जीते और प्लेयर सी जो है वो तीन गेम जीते इस बेस पर जो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास डेटा है सबसे पहले एन है जो कि यहाँ पे ट्वेल्व लिखा गया है तो सिक्स गेम तीन लोग खेल रहे हैं तो इस बेस पर हमारे पास एन नंबर ऑफ गेम्स बने यहाँ पर एन uh, यहाँ पर एन वन जो है यानी जीतने के जो चांसेस हमें मालूम करने हैं वो एन वन वन दिया गया है एन टू टू है और एन थ्री थ्री है यानी ए के वन है टू के जितने के बी के जितने के दो चांसेस हैं और सी के थ्री हैं वो लिख लिए हमने तो जो प्रोबेबिलिटी इनिशियल दी गई है वो ट्वेंटी परसेंट है थर्टी परसेंट है और फिफ्टी परसेंट है जिसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म पर यहाँ पर लिख दिया है तो प्रॉबिलिटी मालूम करना है ए के लिए हम यहाँ पर वन लिख रहे हैं बी के लिए टू लिख रहे हैं और सी के लिए थ्री लिख रहे हैं तो इस बेस पर हमने एन नंबर ऑफ ट्रायल्स जो नंबर ऑफ गिवन है एन वो सिक्स का फैक्टोरियल लिया एक्स की जो वैल्यूज थी वन के लिए वन ए के लिए वन है टू के लिए टू uh, है बी के लिए और सी के लिए थ्री तीनों का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हो आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं पी ऑफ एक्स की पावर प्रॉबिलिटी uh, की पावर एक्स तो जीरो पॉइंट वन वन के लिए था इसके वन चांसेस थे जीरो पॉइंट थ्री पी की वैल्यू टू के लिए है इसके चांसेस टू हैं यानी मालूम करना है और फिफ्टी परसेंट इसकी है जीरो पॉइंट फाइव जिसको थ्री टाइम हमें जितने की प्रॉबिलिटी मालूम करनी है फैक्टोरियल निकालेंगे तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से नॉर्मली कैलकुलेटर से होता है तो एट लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आई है वो जीरो पॉइंट वन थ्री आई है यानी थर्टीन परसेंट हमारे पास चांसेस हैं कि जब ये तीनों सिक्स गेम खेलेंगे तो ए एक दफ़ा जीत सकता है बी दो दफ़ा जीत सकता है और सी तीन दफ़ा ये मैच जीत सकते हैं बाई यूजिंग मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या फ़र्क है इसका एक सिंपल बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के साथ और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स से ये किस तरह से वेरी करता है और एक साथ मल्टीपल कैटेगोरिकल फॉर्म पर हम चीज़ों को कंसीडर करते हुए इनके प्रॉब्बलिटी मालूम कर सकते हैं तो इसके कुछ मैट्रिक्स हो सकते हैं मैट्रिक्स से है मुराद ये है कि मल्टी मल्टीनोमल को यूज़ करते हुए इसका मीन क्या हो सकता है मॉड क्या हो सकता है मीडियन क्या हो सकता है फॉमूलाज कटोसिस वगैरह के क्या हो सकते हैं है, है, uh, है। इसके लिए हम विकीपीडिया uh, पर आ चुके हैं मल्टी मल्टीनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने यहाँ सर्च किया हुआ uh, है प्रॉबलिटी मास फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है मीन एन है वेरियंस मौजूद है कोवेरियंस uh, uh, भी यहाँ पर मौजूद है जो हम डिस्कस करेंगे कोवेरियंस uh, वगैरह क्या होते हैं तो वहाँ पर हमें बात समझ में आएगी को रिलेशन कोवेरियंस क्या होते हैं टाइप्स क्या हो सकती हैं वगैरह इंट्रोपी का फार्मूला भी यहाँ पर मौजूद है तो बिल्कुल उसी तरह से ये सारी चीज़ें उस पर एप्लीकेबल हैं जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर यह सारी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर आने के बाद आप फर्दर एग्जाम्पल्स वगैरह को भी समझ सकते हैं कि ये क्या है और किस तरह से वर्क कर रही है uh, तो फिर भी कोई सवाल है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेशन पर जरूर पूछें कोशिश करूंगा इस सवाले से आपको बर्बाद जवाब दे सकूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको इफॉर्मेशन मिलती रहे और इसी तरह की नत नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर आप आसानी के साथ सीख सकें सी इन द नेक्स्ट सेशन